किसके घर में है तू पता है तेरे को? हाथ नीचे कर, पहले हाथ नीचे, हाथ नीचे कर, हाथ ऐसे वाले थप्पड़ मारने भेंचो। रुकी रुकी रुकी, अभी आपने जो वीडियो देखा, आप लोग सोचते होंगे कि भाई एक बंदा पंडित जो है उन सबको ऐसे मार रहा है, बेशर्मी से मार रहा है, उसको पाप पड़ेगा, ये होगा वो होगा। आप लोग के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गलत गलत ख्याल आता होगा, मुझे पता है। एंड मैं भी जब पहली बार इस वीडियो को देखा, आप लोग वीडियो देखो यहाँ पे, मैं भी पहली बार जब इस वीडियो को देखा मुझे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, जो बंदा इन लोगों को मार रहा है, क्यों मार रहा है। आखिरकार आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर जाग रहा होगा कि भाई ऐसे किसी को कैसे कोई मार सकता है, अपने घर में बंद करके, ताला में, ताला पहले अंदर से बंद कर देता है एंड उसके बाद हथौड़ा से, चप्पल से, हाथ से, पैर से, सब कुछ से मारता है इस भाई को। इस भाई जितने भी हैं, तीनों लोग हैं, तीनों को मारता है भाई, बॉडी बिल्डर हैं ये। मतलब सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिए हैं सब कि भाई इतना ज़्यादा पिटा रहे हैं सब। एंड लास्ट में इस भाई ने पुलिस को भी इनको भेज दिया है, पुलिस को भी दे दिए इनको, क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये भाई बॉडी बिल्डर हैं, आप लोग को देख सकते हो भाई, इनका फ़ोटो दिखा देता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए, इनका वीडियो भी दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे ये बॉडी बनाते हैं एंड इनका यूट्यूब पर चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे रील्स थोड़ा बहुत डालते रहते हैं। एंड इनके घर पे तीन बाबा आते हैं, ढोंगी बाबा जो बोलते हैं ना, ढोंगी बाबा, उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, बस लोगों को लूटते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगी, अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हो ना तो नहीं होगा आपको पता, बट अगर आप इंडिया में रहते हो ना तो आपको पता होगा, आपके घर में कोई ना कोई बाबा आता होगा जो ढोंगी बाबा होता है एंड उसको कुछ मालूम नहीं रहता है। ऐसा कौन पंडित है, ऐसा कौन बाबा है जिसको गायत्री मंत्र नहीं याद है एंड जिसको राम का भाई लक्ष्मण, आप खुद सोचो, जो वनवास गए थे उनके साथ, उनका नाम याद नहीं है। अब बताइए, आप खुद सोचो, ऐसे पंडित पे गुस्सा आएगा कि नहीं, आप खुद सोचो। आपके घर में अगर ऐसा कोई पंडित आता है, बोलता है कि बालक तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तू मुझे इतना कर, ये कर, वो कर, बस आपको लूटता है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सेम भाई के जैसा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया। सबसे पहले वो तीनों को अंदर बुलाया, अच्छे से बैठाया, चेयर दिया एंड उसके बाद इस भाई ने अंदर से ताला बंद कर दिया। ले भाई सिस्टम, पहले ताला बंद कर दिया एंड उसके बाद बढ़िया से तीनों भाइयों को बढ़िया से, एकदम बढ़िया से कूटा, बढ़िया से, आप लोग वीडियो में देखते होंगे, अच्छे से कूटा एंड उसके बाद लास्ट में बेसमेंट में जाकर इन तीनों को बंद कर दिया एंड उसके बाद पुलिस को बुलाया एंड तीनों को सौंप दिया। क्या भाई ने सही किया? ये मैं नहीं बोलूँगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ढोंगी बाबा जितने भी हैं ना उनके पास ये वीडियो पहुँच सके एंड वो सब इस तरह का गलती ना करें। अगर आपको कुछ काम नहीं आ रही है तो आप कोई काम जाकर कहीं भी, मतलब आप जाओ जहाँ भी, आप लोग दिल्ली मुंबई कहीं भी जाकर कुछ काम करो। पंडित बना नहीं जाता है, पंडित होया जाता है, ठीक है? अगर आप पंडित हो तो भाई आप ऐसा करो, बट अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पंडित बनना है, घर घर जाकर आशीर्वाद देना है, पैसे कमाना है, बहुत गलत बात है। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो तो भाई आप ये सब करके आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। आप लोग अच्छे से काम करो, कोई भी काम करो, बट काम करो, बट ऐसे किसी के साथ फ्रॉड करके, किसी को फेक दिलासा देकर कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप मुझे इतना दे दो, ये सही नहीं है, समझ रहे हो? मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर का नीचे ऑप्शन है, शेयर कर दीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन होगा इधर ब्लू कलर में, भाई उसे क्लिक कर दो यार, हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है उसे, जैसे क्लिक करोगे ना उसके बाद रिफ्रेश करोगे हट जाएगा, तो प्लीज़ हटा दो यार। चलिए मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।